अरे गार्डनिंग के जो गार्डन में यूज होते हैं टूल सारे सब इसमें। बहुत ही सुंदर तरीका, वो भी कबाड़ के एक डब्बे में सेट कर रखा है इन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, 2.5 फुट की छोटी सी बालकनी में हम किस तरह से कबाड़ के छोटे छोटे डब्बे डब्बियों में उस बालकनी को सजा सकते हैं, कबाड़ में बहुत ही सुंदर गार्डनिंग कर सकते हैं, इस वीडियो में देख के आपको पता लगने वाला है। और जिनका घर का ये वीडियो है फ्रेंड्स, वो खुद भी एक यूट्यूबर हैं। तो फ्रेंड्स, इनके चैनल का नाम है संजीव राखी। ये अपना फेस नहीं रिवील करना चाहती थी, तो आज इनके घर का मैं बालकनी टूर करवाना चाहूँगी। आप देख के शौक हो जाएंगे कि इनको इतना ज़्यादा शौक है प्लांटिंग का। तो आप खुद देखिए इस वीडियो को, बहुत ही सुंदर। माय गॉड, इतना शौक है आपको। माय गॉड, लाइट कम आ रही है। नहीं, लाइट खोलूँ क्या मैं? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो पानी में लगा रखे हैं। वाओ, स्पाइडर प्लांट। माय गॉड, ये भी पानी में, गजब का शौक। देखो ये भी पानी में लगा रखे हैं सारे, ये बचाने के लिए भाई। हाँ, अगले उसके लिए ना, कबाड़ से जुगाड़। बहुत बहुत अच्छा कर रखा है कबाड़ से जुगाड़। ये भी देखो पानी में, देखिए। वाओ, देखिए प्लास्टिक की जो ऑयल की बॉटल होती है कोकोनट की, वो सबसे छोटा गमला। वाओ, और देखो सबसे छोटा गमला, प्लांट भी है इसमें। देखिए कबाड़ से जुगाड़, छोटी सी छोटी डब्बी में। वो यहाँ शिव जी भी रखे हैं आपने। ये कृष्ण भगवान है, ये इधर ये तुलसा जी है ना, ये रामा है, वो ये वाली श्यामा है, वो रामा है। अच्छा, रामा श्यामा जी। ये देखो ना, ये बाहर ये है ना। हाँ, ये छोटा सा, ये भी इसमें भी लगा रखा था, पर वो अभी मैं रही नहीं था इसलिए सूख गया ये राधे कृष्ण। अच्छा जी, है ना। ये इधर खजूर है, देखो ताई वाली खजूर है। हाँ, ताइवानी खजूर है। ये देखो खजूर कप में भी लगा रखे हैं। देखिए कप में स्पाइडर प्लांट है छोटा सा। हाँ, और ये बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त विष्णु का प्लांट आता है। देखो नारियल में, बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त। ये मैंने प्लांट लगाया था पर इसमें ना चला नहीं, सूख गया। हाँ, ये कैक्टस, ये हटजोड़ है। हर जोड़। हाँ, हर जोड़। ये देखो ऊपर तक जा रही है ना। वाओ, ये भी ना जाए कपड़े। हाँ, वाह, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा शौक। माय गॉड, ये मीठा नीम है। अब कहते छाया में नहीं चलता, छाया में चल रहा है मीठा नीम। आप जो बोलते हैं कि ये सनलाइट चाहिए मीठे नीम को, फुल सनलाइट। ये देखिए सनलाइट के बिना ही चल रहा है, बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पड़ती। वो क्या बोलते हैं ये आपके पास है ना, आपका फेवरेट। ये देखिए बोगनविलिया, एरिका पाम। देखिए बोगनविलिया खिल रहा है छांव में, फ्लावर आ रहे हैं और बाकायदा उसमें। ये पाम है, एरिका पाम। एरिका पाम। ये फिर सिंगोनियम भी है, पान भी है ये, किसी को पान की बेल। हाँ, पान को किसी को देना है अभी तो इसको। अच्छा, ये सिंगोनियम कितना खूबसूरत। हाँ, मल्टी। देखो कबाड़ वाले डब्बे में लगाए, टूटे हुए डब्बे में। ये भी पर इसके ना कॉर्ड हो गए थोड़े से, ये थोड़ा बुशी हो गया बहुत। ये देखो ये स्वीट पोटैटो। हाँ, स्वीट पोटैटो। और ये कबाड़ से जुगाड़, कबाड़ से जुगाड़। हर पिक की बॉटल में ये नारियल, देखिए खजूर, खजूर का पेड़ लगाया हुआ नारियल में। ये भी ये सरसों की भाजी। सरसों की भाजी देखिए कबाड़ के डब्बे में। हाँ, ये वो है ये डेवल भगवान। हाँ, डेवल भगवान। फिर उसके बाद में ये देखिए पर्सलिन। ये 9 o'clock। ये इसमें वो है अपना जामुन का पेड़। हाँ, अब ये जितने भी पत्ते वत्ते सब निकलते हैं ना, कंपोस्ट भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखो इधर, ये देखिए, ये इसमें मेरे को लगेंगे अभी। नारियल का बहुत ही बेस्ट यूज किया है इन्होंने, खाली नारियल का, सूखे हुए नारियल का। देखिए आप, स्टैंड बना दिया है राखी सीस ने, कोटा से हैं जो राखी सीस, उनका भी चैनल है। तो कोटा से हैं, इनका अपना भी चैनल है संजीव राखी। तो देखिए कबाड़ से जुगाड़ बहुत ही ज्यादा सुंदर कर रखा है इन्होंने। अभी सुंदर नहीं, अभी तो पेंटिंग नहीं हुई। और ये पानी प्लांट है, पानी में मनी प्लांट लगा है। और देखिए ये सब कबाड़ से जुगाड़, पर्पल हार्ट। हाँ,
देखिए अंधेरा आ रहा होगा ना, मैं एक लाइट और लगाती हूं, ध्यान नहीं गया। ये देखिए कबाड़ से जुगाड़, खाली नारियल का यूज देखिए किस तरह से किया है। इनमें सब में वो लगेगी पर्सलिन? नहीं, सेवंती। इनमें सब में खाली नारियल में सेवंती लगेगी, अभी लगानी बाकी है। मिट्टी तैयार कर, गुलदावरी का प्लांट। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत हार्पिक की बॉटल, टॉयलेट नील क्लीनर, ये नमकीन की थैलियाँ आती हैं। अच्छा, नमकीन पॉली बैग में। हाँ, पॉली बैग में खाली। और ये वो ये आपका ये बैग यहाँ टांग दूँ तो बार बार सरकेगा। अच्छा ये देखो, ये पानी में, ये भी पानी में देखिए, देखिए पानी में ये जड़ आ रही है। स्पाइडर प्लांट देखिए कितना खूबसूरत, पानी में भी ग्रो हो रहा है। पूरा मटकी में भी रख देते हैं पर वो इसको बस ऐसे ही। बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है इन्होंने कबाड़ में लगा रखा है। वाओ, ये भी चिड़ियाघर देखिए, जंगल जंगल बनाया हुआ है इन्होंने, एक गमले में जंगल लुक दिया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत चीकू का है जो मैंने ना करके वो मतलब इसको बनाया है जैसे। अच्छा, कटिंग से ग्रो किया है? कटिंग से ग्रो किया है। अच्छा अच्छा, चीकू। ओके, यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्राफ्टिंग की है? ग्राफ्टिंग की है। अच्छा, चीकू को ग्राफ्ट करके लगाया है। देखिए ये वो है, ये देखिए छोटी सी मटकी में, मटकी में वो ये पार्सली। हाँ, छोटी सी मटकी में टर्टल वाइन लगाया हुआ देखो। और ये भी है ना, ग्राफ्ट किया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये आंवला है। आंवला, ओके। ये देखिए, ये बताओ क्या है? बिल्व है, बिल्व को पेंटिंग करके बनाया। अच्छा अच्छा, बिल्व पत्र, वो बिल्व नहीं आता, बिल्व पत्र का बिल्व भी। अच्छा अच्छा, बिल को पेंटिंग करके और इसका है ना बस ऐसे करके, ओ फिर सब जब भी इसके बीज होना निकाल के और बस। अच्छा अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है करके ऐसे। ये जामुन है देखिए, गमले में जामुन, टमाटर और जामुन, इसमें भी ट्रायंगल, ये इसमें भी टर्टल वाइन। हाँ, टर्टल वाइन का प्लांट कटिंग। ये भी मैंने ना मतलब ये 4 साल पुराना है ये। अच्छा जी, इसको भी कटिंग कर करके छोटा सा बना दिया। ठीक है, ये वो है चंपा। अच्छा अच्छा, चंपा की कटिंग, चंपा कटिंग कर दी, नहीं कटिंग कर दी। ओके, अभी इसकी कटिंग कर दी, अभी मैंने कहा बहुत ज्यादा लंबा हो गया था ना इसलिए। अच्छा, जामुन है, जामुन है। और ये ऑरेंज कलर का है गुड़हल, गुड़हल। अच्छा, ऑरेंज गुड़हल। और ये व्हाइट कलर की है वो अपराजिता, अपराजिता। ओके, सीताफल है, सीताफल का प्लांट। ये सीताफल का भी 4-5 साल का हो गया, ऊपर तक ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, कटिंग कर देते हैं फिर। बहुत ही सुंदर कबाड़ से जुगाड़ किया हुआ है देखिए अपने गार्डन में इन्होंने, बहुत ही सुंदर यूज किया है छोटी स्पेस का। वाओ, यहाँ देखिए, यहाँ नारियल सूखे नारियल के गोले में देखिए इन्होंने प्लांट किस तरह से ग्रो किया, कितना इनको शौक है। मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि इतना छोटी सी जगह, इतना छोटी सी। यहाँ देखिए स्नेक प्लांट, बहुत ही सुंदर और हेल्दी प्लांट है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए हार्पिक की बॉटल में है। ये देखा ना, ये वाला मुर्गा प्लांट। वाओ, ये इसको ये कबाड़ से। अच्छा, ये देखिए कबाड़ के डब्बे में, कबाड़ के डब्बे में इन्होंने लगाया है मुर्गा प्लांट, इसको इंग्लिश में तो कुछ दूसरा बोलते हैं। हल्दी का प्लांट देखिए कितना खूबसूरत, और धीरे धीरे अभी आएंगे सारे। हल्दी का प्लांट लगा है, प्लांट है, जेट प्लांट। इसकी टोपी प्यारी सी बनाने में हूँ अभी। अच्छा अच्छा, कंप्लीट हुआ नहीं है। अच्छा, पहले इसको बड़ा सा लुक देके, हाँ जी, फिर उसके बाद में सही, ये भी प्यारी बनानी है इसकी। बहुत ही टमाटर है, फूल आ रहे हैं। ये टमाटर का प्लांट है देखिए, फ्लावर्स भी आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। भाई बहुत अनार है, देखो ये अनार है। वाओ, अनार का प्लांट। ये भी कटिंग कर दी मैंने अभी, क्योंकि ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए नेक्स्ट मैं पार्ट 2 भी लेके आने वाली हूँ इनके गार्डन का, इनके बालकनी गार्डन का। और भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। सल्यूट है इन सिस्टर को जो कोटा से हैं, और बहुत अच्छी छोटी सी बालकनी में बहुत सुंदर कबाड़ से जुगाड़ कर रखा है इन्होंने। इनको प्लांट लगाने का इतना ज़्यादा शौक है कि इन्होंने कबाड़ के छोटे छोटे डब्बों का यूज़ किया है। तो ज़रूरी नहीं कि गार्डनिंग के लिए हम महंगे प्लांटर लें या प्लांट लें, अगर हमें गार्डनिंग का शौक है तो छोटे से डब्बी में भी हम प्लांटिंग कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, छोटी सी जगह का, छोटी सी बालकनी का इन्होंने बहुत ही खूबसूरत यूज़ किया है, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल गया है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं सेकंड जब पार्ट इसका लेके आऊँगी तो आपको और भी खूबसूरत प्लांट देखने को और प्लांटर देखने को मिलेंगे। तो मेरी उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा और फ्रेंड्स फुल वॉच किया कीजिए वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और देखिए बहुत ही सुंदर गार्डनिंग कर रखी है इन्होंने कबाड़ में, तो आप भी कर सकते हैं कम जगह का और वेस्ट मटेरियल का, कबाड़ के डब्बे डब्बियों का यूज़ करके बहुत ही सुंदर गार्डनिंग। तो ज़रूर इन सिस्टर के चैनल को भी सपोर्ट करिएगा जिनके चैनल का नाम है संजीव राखी। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।